हाय बच्चों, मेरा नाम शबनम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वॉरियर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रस्मी खत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर, जो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है। जो फॉर्मल लेटर होता है वो किसी ऑफिसेस में, कॉरपोरेशन में या स्कूल में अर्जी देनी होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो आज का टॉपिक है, सफाई से मुतालिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम एक खत लिखिए। तो बच्चों, आप देख सकते हो ये फॉर्मेट है खत का। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, आगे मैं आपको जूम करके बताती हूँ और पढ़कर भी बताती हूँ। तो खत में सबसे पहले आपको डेट लिखना है, वार्ड ऑफिसर लिखना है, और जहाँ पे आप भेज रहे हो खत आपको वहाँ का एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौमा अंधेरी मशरक मुंबई, और जो भी नंबर है वो लिखना है आपको कोड। उसके बाद आपको लिखना है मुकर्रमी या जनाब भी लिख सकते हो आप। फिर मज़मून मतलब सब्जेक्ट, जो भी मुद्दा है उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ सफाई से रिलेटेड है तो यहाँ लिखा है सफाई से मुतालिक दरख्वास्त रिक्वेस्ट। उसके बाद आपको लिखना है मोहतरम जनाब, मैं जोगेश्वरी इलाके की शहरी हूँ, एक दरख्वास्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। काफ़ी दिनों से इलाके की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से कचरे के ढेर लग गए हैं, गंदगी के साथ मच्छरों की भी भरमार हो गई है। आसपास के इलाके के कई बच्चे और बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ है आपको, उसमें आप कहाँ से हो वो लिखना है, आप आपका नाम लिख सकते हो और आप एक अर्जी दे रहे हो उस बारे में आपको लिखना है। जो सेकंड पैराग्राफ होगा, आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, जिस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके एरिए में, आपको उस बारे में लिखना है। फिर लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है, जैसे उम्मीद करती हूँ आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करेंगे और ज़रूरी इकदाम उठाएंगे। ये होने के बाद आपको लिखना है कॉर्नर में, लेफ़्ट साइड में, शुक्रिया एक ज़िम्मेदार शहरी, आपका सिग्नेचर, आपका पूरा नाम और एड्रेस, आप कहाँ से हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।